सुनार की दुकान से गहने लुटन की नाकाम कोशिश हुई है। दंपत्ति ने दुकानदार दियां अखां दे विच मिर्चां पा के लुट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की है। घटना पूरी सीसीटीवी कैमरे दे विच कैद हुई है, जिस तो बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना नूरवाला रोड की है, जिथे पति पत्नी के ज्वेलर्स नाम की दुकान से गहने खरीदने के बहाने वड़े सन। पति पत्नी ने गहने बाहर कढ़वाए तो उस तो बाद लिफाफे दे विच पईयां मिर्चां दुकानदार के मूँह ते मल दित्तियां ते गहने चुक के फरार होने की कोशिश करन लगे। दुकानदार ने करिंदे की सहायता दे नाल दोनों नू काबू किया। इस तो बाद इकट्ठे होए लोगों ने पति पत्नी के नाल हथापाई भी की है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे च कैद हुई है। पति पत्नी मूँह ढक के दुकान दे विच दाखल होए सन तां के उन्हां दी शनाखत ना हो सके। दुकानदार का कहना है कि दोनों पति पत्नी पहला भी उसकी दुकान पर रेकी कर आ चुके हैं, तो उन्होंने वालों लुट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई है। मैं तो मेरा कारीगर दुकान पर बैठे से, एक लेडीज़ जेंट्स दोनों जने आए हैं। जेंट्स ने मेरी अखा च मर्चा पा के समान की खो करने की कोशिश की है जी, तो मौके से ही असी दोनों जने मिल के तीवी आदमी दोनों फड़ लिया, तो अपना पुलिस को फड़ाता जी, तो अपना हूँ सानू कर बनती कार्रवाई की मांग की जाती है। दो जने से टोटल मर्चा लेके आंखों में मार दिया इनके। जब आंखों में मारा तो पकड़ा पकड़ी होने लगा, फिर मैं उठ के आया उधर से। जब उठ के आया तो बंदे को पकड़ा भागने की कोशिश किया और चाकू भी निकाल लिया उसने, और सुआ भी निकाला मारने के लिए, मगर मार नहीं पाए किसी को। थाना बस्ती जोधेवाल दे प्रभारी दा कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया, तो दोनों तो पूछगिछ की जा रही है। किते होर जगह पर इन्हां वल्लों इदां दीआं वारदातां नूं अंजाम तां नहीं दिता गया। ये अपने मियां बीबी के खिलाफ कंप्लेंट आई है जी, कंप्लेंटेड पार्टी अजे उन्होंने बुलाया है, इतों थाने आके चले गए, तो उन्होंने दोबारा फिर बुला रहे हैं, जो बयान कराएंगे तो एज पर ला कार्रवाई की जाएगी। नहीं कोई कुछ नहीं है जी, अटैम्प्ट की हैगी है, शहर च दिन दहाड़े हुई इस वारदात तो बाद पुलिस की कार्रवाई से सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे हैं। कैमरा परसन मनीष कुमार के नाल दिलबाग दानिश लुधियाना। वधेरी जानकारी लिए लाइक करो साडे फेसबुक पेज नूं, सबसक्राइब करो यूट्यूब चैनल नूं, ते इंस्टाग्राम नूं फॉलो करना ना भुलियो।